चलो बच्चों, कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसका ये आंसर भी मैंने कल साथ में ही दे दिया था ना आपको, तो आपका आंसर आया है कि नहीं आया वो तो आपको पता चल गया था। लेकिन बात करते हैं कल वाली मेथड की। जो कल मेथड थी उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे यूवी। सर सर एक मिनट, आ फर्स्ट वाला में 300 kg होते हैं, हमारी 30 kg क्या हम ले लूं? देखो, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड रुविश। अगर आप नहीं पूछते तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला था। जिनको पता चल गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन नहीं पता चला उनको पूछना जरूरी था। देखो, यहाँ पर हमारा जो यील्ड ऑफ कॉटन है वो 300 kg दिया हुआ है। अब समझो, आप 300 kg, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 30 in bracket 10 kg। सर क्यों ऐसा? क्योंकि आप क्वेश्चन में देखो, जो कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर था ना वो 10 kg में था। तो शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ जो वैल्यू देते हैं वो तो एक्स की वैल्यू ही होती है, लेकिन क्वेश्चन में यानी टेबल में ब्रैकेट में अगर 10 है तो उसको 10 से डिवाइड करो, यानी 300 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, और जो 30 आता है वही आपको एक्स की जगह पे रखना है। चलो मुझे आंसर दे दो, क्लियर हो गया कि पी प्रॉब्लम है? ना ना सर, क्लियर चाहिए। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। चलो, बात हो रही थी कि ये यूवी वाली मेथड क्यों और कब यूज करनी है। तो आपको पता है कि जब वैल्यू 30 से ज्यादा हो और आपका जो मीन है वो फ्रैक्शन हो यानी पॉइंट में हो, जैसे कि 65.86 और 55.29, यानी दोनों या दोनों में से एक भी अगर पॉइंट में आता है तो कंपलसरी हम यूवी वाली मेथड थ्रू आंसर लाएंगे। इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। लेकिन अगर आज हमारा यूवी वाली मेथड कब यूज करनी है, तो उसकी फर्स्ट कंडीशन तो आपको पता चल गई कि वैल्यू 30 से ज्यादा है और एक्स बार एंड वाई बार या दोनों में से कोई भी एक पॉइंट में है, तब आप डेफिनेटली यूवी वाली मेथड यूज करेंगे, क्लियर। लेकिन दूसरी भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप देख लो। सेकंड कंडीशन, एक कंडीशन तो याद रखनी है आपको कि एक वैल्यू 30 से ज्यादा है और मेन पॉइंट में है तो यूवी वाली मेथड ही यूज करूंगा या करूंगी। लेकिन एक सेकंड कंडीशन भी है कि उसमें भी आपको कंपलसरी यूवी वाली मेथड यूज करनी है, और वो कंडीशन क्या है तो थोड़ा लेंथी है, मैं लिखता हूं और समझाता जाता हूं। इफ एक्स एंड वाई बोथ और वन ऑफ देम आर डिवाइजिबल बाय अ पर्टिक्युलर नंबर, डिवाइजिबल बाय अ पर्टिक्युलर नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 10, 100, 1000 और
if the values are in fraction, then this shortcut method is suitable for it. ये मैंने क्या लंबा चौड़ा लिख दिया वो मैं आपको समझाता हूं कि if the value of x and y both यानी दोनों x and y दोनों और one of them या तो दोनों में से कोई भी एक are divisible by a particular number, कोई एक नंबर से सारी की सारी वैल्यू अगर आप डिवाइड कर सकते हो, then the UV वाली मेथड, जो ये UV वाली मेथड है वो यूजफुल रहेगी. अदरवाइज सेकंड कंडीशन कि अगर वो सारी वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू पॉइंट में देते हैं तब तो जो ये जो फ्रैक्शन वाला पॉइंट है ना वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ऊपर वाला. तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूं सेम. आपको एग्जांपल सिक्स दिख रहा है. अब आप लोग मुझे आंसर दो कि ये जो एक्स की वैल्यू आपको दिख रही है ये जो एक्स की वैल्यू आपको दिख रही है 85 95 100 90 110 125 70 चलो वही वैल्यू सब वैल्यू को ध्यान से देख के बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड कर सकते हो. सब गिव मी द नंबर हु कैन डिवाइड ऑल द गिवन वैल्यू. ऐसा कोई नंबर दो जो सारी वैल्यू को डिवाइड कर सके. आप मुझे आंसर दे सकते हो. मैं बोलू 5 से आप देखो सबको डिवाइड कर सकते हो. आपको सिर्फ क्या देखना था यूनिट प्लेस पे देखो या तो 5 है या तो 0 है. अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 या 0 होता है तो वो डेफिनेटली 5 से डिवाइजिबल होती है. चलो एक साथ आंसर दो. पता चला आपको कि सारे नंबर 5 से डिवाइजिबल है. यस यस हाँ तो ऐसा आपको yes, sir. हाँ तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकोगे. ओके okay. अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम आ गया. अभी वाई में दिखाओ मुझे. वाई में ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ वाई एंड से मी एंड टेल मी विच नंबर इज डिवाइड विच नंबर विल डिवाइड ऑल द गिवन वैल्यू. डू यू हैव एनी पर्टिकुलर नंबर. नो नहीं देखो चलो ये 46 को मैं हाइड कर देता हूं. अब बताओ मुझे डू यू यस 5 बराबर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे तो किसी को हाइड नहीं कर सकते ना. क्वेश्चन में तो 46 है ही. तो यहां पर y में आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं मिल रहा है जिससे आप सबको डिवाइड कर सको. लेकिन x में तो मिला ना. और अरे हाँ ना बोलते रहो यार. अभी तो आप मैंने बोला है ना आपको कि आप अनम्यूट रखो अपना साउंड. कोई प्रॉब्लम नहीं. बैकग्राउंड नॉइस नहीं होना चाहिए. बस इतना ध्यान रखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे बैकग्राउंड में कोई नॉइस है तो आप अनम्यूट रखो और आंसर कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रखो तो मुझे भी लगे कि नहीं सामने कोई बैठा है. ओके तो मैंने कंडीशन में लिखा है कि बोथ या तो ओनली वन ऑफ देम दोनों होनी चाहिए. मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि बोथ और वन ऑफ देम या तो दोनों डिवाइजिबल हो या तो दोनों में से कोई भी एक डिवाइजिबल हो तब आप यूवी वाली मेथड यूज करेंगे. तो आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है कि आप यूवी वाली मेथड यूज करेंगे राइट. अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज. देखो लॉकडाउन तो अभी खींच गया. कौन सी कब तक लॉकडाउन है अभी.
ત્રણ તારીખ સુધી. હા, ત્રણ તારીખ સુધી લોકડાઉન છે ને. પણ મને લાગે કરોડ માં તો હટી જશે. એવું 20 તારીખે હટી નહીં જાય? હટી જાય તો સારું, ના હટે તો વધારે સારું. ચલો બચ્ચો, એક તો પહેલે ડિસાઈડ કર લિયા હમને કે યે થર્ડ ચેપ્ટર કા હૈ, તો વો કૈસે ડિસાઈડ કિયા? તો દેખો યહાં પર કહીં પે ભી આપકો લિનિયર રિગ્રેશન એસા કુછ દિખાઈ દેગા. સર ક્વેશ્ચન કટા હુઆ નહીં હૈ નીચે કા? કટા હુઆ હૈ. હા, ઓર સર યે રેકોર્ડિંગ આપને નહીં શરૂ કિયા? નહીં, વો રેકોર્ડિંગ મેને કર દિયા, એક દૂસરી એપ્લિકેશન હૈ ઉસસે મેને રેકોર્ડ કિયા હૈ. તો ક્યા હૈ કે વો જો રેકોર્ડિંગ હો રહા થા ના આગે, ઉસમે ક્યા હોતા થા, આપ સબ કા વો ક્લિપ આ રહી થી આપ સબ કી, તો થોડા પ્રાઇવેસી પ્રોબ્લેમ થા, તો મેને એક ઓર એપ્લિકેશન લી. દેખો કલ કે રેકોર્ડિંગ મે આપકો કોઈ નહીં દિખેગા, યાની આપ સબ જો દિખાઈ દેતે થે વો નહીં દિખાય. આપકા આવાજ, આપકી આવાજ દિખાઈ દેગી લેકિન સુનાઈ દેગી, લેકિન આપ નહીં દિખાઈ દોગે. અભી રેકોર્ડિંગ ચાલુ હી હૈ. ઓકે, અબ આ ગયા પૂરા ક્વેશ્ચન? ચલો અબ આ જાતે હમ ક્વેશ્ચન મે. યહાં પર રિગ્રેશન લાઇન, इससे पता चल गया कि ये थर्ड चैप्टर का है. फिर ये नंबर सब देख लिए मैंने, तो मैं देख सकता हूँ कि सारे सारे के सारे नंबर 5 से डिवाइजिबल है. तो मैंने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर यूवी वाली मेथड यूज करूँगा, बराबर. अब सर ने सिखाया था कि यूवी वाली मेथड में 5 स्टेप होते हैं. तो पहला स्टेप होता है एक्स बार एंड वाई बार. So x bar is equal to sigma x divided by n. चलो x का total बोलो. चलो y बार से 51.57. अब सुनो, आप ये मीन पॉइंट में आया, आपका जो x बार एंड y बार है ना वो पॉइंट में आया. अगर ये पॉइंट में नहीं आता, मान लो, चलो एज्यूम करो कि ये आंसर 96 आ रहा है और ये आंसर 57 आ रहा है, तो हम क्या करते? वो सेकंड मेथड यूज कर लेते? नहीं. आपको अभी आपको आपने देखा कि ये जो वैल्यू है ना वो 5 से डिवाइजिबल है. ये जो वैल्यू है वो 5 से डिवाइजिबल है ना, एक्स की वैल्यू. तो कंपलसरी हम यूवी वाली मेथड ही यूज करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड मेथड यूज नहीं करेंगे. तो मीन अभी देखना ही नहीं है कि मीन पॉइंट में है या नहीं है. हमने तो पहले से ही डिसाइड, हमने मीन फाइंड किया उससे पहले से डिसाइड कर लिया था कि यूवी वाली मेथड यूज करनी है, बराबर. तो ये मीन क्या है वो मैटर नहीं कर रहा है. चलो, आप में से किसी एक का जो हेडफोन है ना वो खराब है और कुत्ते है ना वो बैकग्राउंड में भौंक रहे हैं, तो वो अपना सिर्फ म्यूट रखे. अमित पटेल ध्रुवी तारा तारा सोसाइटी में कुतरा कैडा जन बजाना.
हाँ तो तू म्यूट कर रहे हैं महारानी विजयनगर हाँ तो म्यूट कर दे ना हमारा अच्छा बैकग्राउंड में कुतरा नहीं पड़ता है मिलना कुतरा हाँ चलो अभी 96 पॉइंट क्या था यहाँ पे फिर से बता दो मुझे 96.43 और यहाँ पर क्या था 51.57 अच्छा तो मैं शॉर्ट में ये समझा रहा था कि हमने तो मीन फाइंड किया उससे पहले ही डिसाइड कर लिया था कि यूवी वाली मेथड यूज करनी है तो मीन यहाँ पे मैटर नहीं करेगा कि क्या है चलो आगे प्रिपरेशन ऑफ टेबल तो टेबल का जो प्रिपरेशन है ना उसमें मीन की हेल्प लेंगे हम पूरा आप ध्यान से पढ़ो आप लोग पूरा एकदम चलो बच्चों अभी यहाँ पे x यहाँ पर y यहाँ पर u यहाँ पर v यहाँ पर uv और यहाँ पर u स्क्वायर ये कॉलम ज्यादा बन गया चलो x की वैल्यू eighty five, hundred, ninety five, hundred, ninety, ninety, one hundred and ten, one twenty five and 70 Value of y 46 46 50 50 50 45 60 70 40 70 or 40 70 40 अब देखना यू कैसे निकालते हैं देखो जो आपका यू है ना आपने मुझे बताया एक्स की वैल्यू किससे डिवाइजिबल थी 5 से तो यू देखो मैं कैसे कर रहा हूं यू में मैंने क्या किया पहले तो डिवाइडेड बाय 5 ले लिया बराबर अब मैं यहां पे लिखूंगा x तो x को तो मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं लेकिन माइनस अगर मैं यहां पे 96 लिखूं क्योंकि देखो आपका मीन है 96.43 तो मैंने कल सिखाया था आपको कि आपको 96 लेना है माइनस में अगर आप यहां पे 96 लोगे तो मुझे बताओ कि आप 96 को 5 से डिवाइड कर सकते हो नो
तो आपको क्या करना है, ये 6 को हटा के क्या करना है यहाँ पे, वाई। वेरी गुड, आपको यहाँ पे 96 की जगह पे 95 लेना है। क्यों मैंने 95 लिया, क्योंकि मैं 96 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो मुझे वहां पे ऐसी ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं 5 से डिवाइड कर सकूं। खत्म बात। अब चलो वी वी में देखो, वी में आपने देखा कि कोई पर्टिकुलर नंबर से डिवाइजिबल नहीं है, बरोबर, तो उसमें डिवाइड नहीं करना है, तो उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो वाई माइनस आपको कौन सा नंबर लेना है यहाँ पे, 51। तो आप यहाँ पर ले लोगे 51। यहाँ पर मैंने कुछ डिवाइड नहीं किया क्योंकि y कोई पर्टिकुलर नंबर से डिवाइजिबल नहीं है। तो चलो बच्चों पहले u निकालो। u कैसे निकालना है आपको, ये देखो आपको u कैसे निकालना है, 95 को माइनस करो और 5 से डिवाइड करो। चलो फटाफट आंसर बोलो। 80 माइनस 2 85 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 5 2 माइनस पहले का आएगा सर माइनस 2 सेकंड का 0 0 0 1 1 फिर 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 6 6 माइनस 5 3 6 चलो y में तो नॉर्मल माइनस ही करना है आपको, y माइनस 51 माइनस 4 जीरो कितना जीरो जीरो ये जीरो कहाँ से आएगा, जीरो आएगा ना 50 माइनस 51 आपने 50 माइनस किया ना, गलती कर दी ना आपने यार, 51 माइनस करो, 46 माइनस 51 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 यहाँ पे माइनस 6 9 19 19 माइनस 11 माइनस बराबर, चलो मल्टीप्लाई करो 11 आंसर आ 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 10 0 1 1 जा 1 बट माइनस 6 1 जा 6 0 1 0 6 6 19 6 जा 27 19 6 वो तो किसी को ओरली याद ही नहीं है ना, टेबल्स तो अभी भी नहीं आते। सही सही बोला ना मैं, 1 नाना तो रुपारो बना आवडो मुझे बताए। चलो टोटल टोटल लगा लो, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और टोटल लगा के रखो, मीटिंग रीजॉइन करनी पड़ेगी, टाइम ओवर। चलो टोटल बोलो, यू का टोटल क्या है, यू का टोटल 2, टोटल ऑफ यू इज 2 2 वी 4 यू वी यू वी का टोटल टोटल ऑफ यू वी एंड यू स्क्वायर प्लीज बी क्विक। अरे इतने में तो मैंने लगा लिया होता।
sir u square no total 76 and u square no 76 ha barabar ab dhyan okay ab dekho ab b b ka formula kal yaad tha na aapko n sigma uv minus sigma u sigma v upon n sigma u square sigma u whole square ये कल वाला ये फॉर्मूला लेकिन देखो कल वाली मेथड में और आज की मेथड में एक थोड़ा डिफरेंस है कल ये जो डिवाइडेड बाय 5 किया है वो मैंने कल नहीं किया था आज ऐसे डिवाइड बाय 5 किया है तो जब यूवी वाली मेथड में आप डिवाइड करते हो यू और वी को या दोनों को तब आपको फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करना है और वो चेंज क्या है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ सी वाई अपॉन सी एक्स क्या लिखना है सी वाई अपॉन सी एक्स तो ये चेंज कब करना है जब आप यू और वी फाइंड करते वक्त नीचे डिवाइड करने की बात करते हो तब आपको फॉर्मूला में भी ये चेंज करना है सी वाई अपॉन सी एक्स अब चलो एन कितना था सेवन था ना सेवन चलो सेवन एन था हमारा सेवन यूवी का टोटल है 211 यू का दो वी का चार एन सेवन यू स्क्वायर का 76 और यू होल स्क्वायर अभी ये सी वाई और सी एक्स क्या है वो मैं आपको बता दूं देखो मैं यहां बाजू में रेड कलर से लिख रहा हूं साइड में सी एक्स इज इक्वल टू 5 एंड सी वाई इज इक्वल टू 1 इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं अभी आप देख सकते हो सी एक्स इज इक्वल टू 5 एंड सी वाई इज इक्वल टू 1 अभी इसको कैसे समझना है वो बता दो U में ये जो U है ना वो किस से रिलेटेड है X से और उसमें आपने डिवाइडेड बाय 5 किया है तो सी एक्स इज इक्वल टू 5 और ये जो V है ना वो किसके रिलेटेड है Y के V किस से रिलेशन रखता है Y से अभी उसमें आपने कुछ भी डिवाइड नहीं किया इसलिए मैंने 1 ले लिया तो U में जो डिवाइड में लेते हैं उसको सी एक्स बोलना है और V में अगर कुछ डिवाइड में लेते हैं तो उसको सी वाई बोलना है अगर कुछ डिवाइड में नहीं लेते तो वहां पे 1 ले लेना है क्लियर तो सी वाई अपना हुआ 1 और सी एक्स हुआ 5 तो मैं यहाँ सी वाई की जगह पे लिखूंगा 1 और सी एक्स की जगह पे लिखूंगा 5 चलो अभी कैलकुलेशन करो 14 14 77 multiply minus 22 22 5 532 532 532 532 532 532 minus 4 चलो 1469 राइट ना हाँ यस सर और नीचे 528 1469 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 1469 और इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो 528 2640 2640 चलो डिवाइड कर 2640 चलो डिवाइड 2640 डिवाइडेड बाय 0.5564 तो 56 कर दो ना हाँ चलो बी मिल गया उस
उसके बाद का स्टेप क्या था? ए is equal to minus va vx. A is equal to y bar minus bx bar. Y bar कितना था? 51.57. जीरो पॉइंट फिफ्टी सिक्स. और x bar कितना था? 96.43. 45.0008. 55.008. चलो माइनस कर दो. माइनस 43.08. माइनस 2.4. माइनस 2.43. माइनस 2.43. ए ध्रुव, ए ध्रुव, ए ध्रुवेश, तो क्या आंसर रॉन्ग बोला है? ये सर थोड़ू रॉन्ग थी. चलो उसके बाद y cap is equal to a plus bx. हाँ ये फॉर्मूला सबको याद है. माइनस 2.43 प्लस 0.56 x, और ये आपका हो गया रिग्रेशन लाइन. ओके बच्चों, अब एस्टिमेशन की बारी. तो देखो आपका आई क्यू यानी एक्स, आई क्यू यानी एक्स, और वो कितना दिया है? 100. टेकिंग वो तो आपको अभी पता चल गया ना. यहाँ पे क्या करना है? टेकिंग एक्स इज इक्वल टू 100, वाई कैप इज इक्वल टू माइनस 2.43 प्लस 0.56 मल्टीप्लाई विथ 100 माइनस 2.43. 0.56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा. 53.57. हाँ 53.57. तो कंक्लूजन लिखना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 100 then y is equal to 53.57. अगर कंक्लूजन में प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ इतना शॉर्ट में लिख दो चलेगा, बराबर. और पूरा लिखना है तो लिखो if when IQ is equal to 100 then obtained marks will be 53.57 whatever you want. okay, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आजा. यस हियर इट इज.
चलो मुझे जरा बताओ एक्स को देख के कि कौन से नंबर से वो डिवाइजिबल है। फाइव से। फाइव। फाइव। और रितु आंसर मी वाई किससे डिवाइजिबल है? देखो रितु सबके पीछे तीन 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 जीरो है कॉमन, आप कॉमन जीरो निकालो तीन है, अगर किसी के पीछे तीन जीरो है तो वो थाउजेंड से डिवाइजिबल है। तो ये क्लियरली विजिबल है कि इसको हम डिवाइडेड बाय फाइव करेंगे और इसको डिवाइडेड बाय थाउजेंड करेंगे। अच्छा हाँ, तो अगर इसको मैं फाइव से डिवाइड करूंगा तो ये क्वेश्चन में सी एक्स में फाइव लूंगा, आगे आया था ना वो सी एक्स और सी वाई, और सी वाई हम थाउजेंड लेंगे बराबर, वो मैं बाद में बताता हूँ फिर से आपको याद दिलाऊंगा। देखो यहाँ पे सी एक्स और सी वाई था ना वो बी वाले में, हाँ तो यहाँ पहले से ही पता चल जाता है कि सी एक्स कितना लेना है पांच और सी वाई कितना लेना है थाउजेंड। चलो स्टार्ट करते हैं, ये सब अभी मैं इरेज कर देता हूँ फिर कंटिन्यूस डिस्कस में ले लेंगे उसको। चलो एक्स बार एक्स का टोटल लगाओ, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। चलो वाई का टोटल 1,82,700 कहाँ से आया, नहीं आएगा ना, आ गया ना 1,82,000। हाँ 1,82,000। वेरी गुड। देखो हमारा मेन पॉइंट में या नहीं है वो हम नहीं देखने देख रहे क्योंकि हमें पता ही है कि यूवी वाली मेथड यूज करनी है पहले से ही, तो मेन को देखना नहीं है अभी, सीधा टेबल बना देना है। चलो एक्स वाई यू बी यूवी यू स्क्वायर। अब देखो u में आपको पता था कि डिवाइडेड बाय 5 करना है, u में हमें पता है कि डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस क्या ले लेंगे हम 90, क्योंकि 90 को तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं ना हम। v में हमें पता था कि डिवाइडेड बाय 1000 करना है, तो हम क्या लेंगे y माइनस ये 26,000, क्योंकि 26,000 को तो हम 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अलग कोई नंबर याद रखने की जरूरत नहीं। फिर यू वी एंड यू स्क्वायर। चलो एक्स में हम लिखते हैं 55, 60, 75, 80, 100, 120 and 140 V, Y में 18,000, 19,000, 20,000, 20,000, 25,000, 30 and 50,000.
चलो आपको 90 माइनस करके डिवाइडेड बाय 5 करना है, 55 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5 माइनस सेवन यहाँ पर क्या आएगा, माइनस सिक्स फिर यहाँ पर -3 यहाँ पर -2 यहाँ +2 यहाँ 6 और यहाँ पर 8। चलो y में आपको 26,000 माइनस करके डिवाइडेड बाय 1,000 करना है। चलो टोटल सर 8 की जगह 10 नहीं आएगा? हाँ वी में यू में हाँ सर हाँ सर 10 आएगा 10 आएगा हाँ 10 आएगा यस सर ओके आप जैसा बोलो वो सही है। चलो अभी मल्टीप्लाई कर दो बेटा 56 42 18 12 -2 24 240 और वी यू स्क्वायर 49 36 अब चलो ये क्वेश्चन मैं पीछे छोड़ देता हूँ। अभी आपको क्या करना है मैं बता दूँ आपको। B इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ सी वाई अपॉन सी एक्स। तो देखो ये सब वैल्यू तो आपको पता ही है कैसे लेते हैं, और ये जो सी वाई है ना, तो सी वाई की वैल्यू आपको लेनी है। आपने वाई में क्या डिवाइड किया था 1,000, तो सी वाई की जगह पे 1,000 और सी एक्स की जगह पे 5। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ओके बाकी ये सब कुछ एज इट इज है, तो ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है क्वेश्चन, बराबर। और एस्टिमेशन करते वक्त x की जगह पे 110 लेना है और y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। कुछ प्रॉब्लम है सारिका? गॉट इट? कुछ कुछ डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। नहीं तो ये टॉपिक कल भी कंटिन्यू रहेगा, और आज इसके नीचे मैं दो क्वेश्चन और छोड़ दूंगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो होमवर्क आप करके मुझे सेंड कर देना, बराबर बेटा? ओके सर। बाय बाय सर बाय।